जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो सभी लोग क्लास 11th से निकल चुके हैं और क्लास 12th में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो नए फ्रेशर्स दिख रहे हैं मुझे, एकदम नया ज्वाइन किया है सर हमने क्लास 11th में, हमने कहीं से कोचिंग नहीं ली। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर शुड आई स्टार्ट विद दिस, क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, मैंने क्लास 11th नहीं की, क्या मेरी क्लास 12th भी बर्बाद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे। मैं पर्सनली भी जानता हूं उन बच्चों को जिन्होंने क्लास 12th में ज्वाइन किया और अपने टीचर्स के साथ लेक्चर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच की और उनकी डिजिट जो है, रैंक जो है, वो डबल डिजिट तक में भी आई है। सिंगल डिजिट में भी आप ला सकते हो, दैट डिपेंड्स टोटली 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 ऑन योर हार्डवर्क। तो बिल्कुल अपने आप पे 1% भी डाउट मत कीजिएगा, समझ में आया? बिकॉज डाउट करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, अगर खुद पे डाउट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो बोलेंगे तुमसे रहने दो, तुझसे ना हो पाएगा। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि मैं तो कर दूंगा, तू सह नहीं पाएगा, समझ में आया? इसी एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं नया अध्याय, मतलब सेकंड चैप्टर ऑफ ITJEE प्रिपरेशन, दैट इज क्लास 12th। फुल एनर्जी के साथ, कोई भी मक्कारी जो आपने क्लास 11th में की वो इस साल मत कीजिएगा। डू नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकंड, एक भी सेकंड आपको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जो पुरानी गलतियां आप जानते हैं मेरे से ज्यादा अच्छे से कि आपने क्या किया है, वो नहीं करनी है। और अपने आप को हमेशा टूवर्ड्स द लक्ष्य, समझ में, जो आपका टारगेट है उसकी तरफ डायरेक्टेड रखना है, बस और कुछ नहीं। आपको इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पे फोकस करना है। सर व्हाट अबाउट क्लास 11th, हमारी क्लास 11th बड़ी कमजोर है, उसके बारे में तो कुछ बताइए, घबराइए नहीं। जैसे ही हम क्लास 12th का सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद में आपकी क्लास 11th की रिवीजन होगी। इनफैक्ट वो जो रिवीजन है वो थोड़ी सी फास्ट होगी, बट आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो भी क्लास 11th में इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में आया?